शादी पहले कि सेक्सुअल फिटनेस पहले, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। काफी सारे युवक मेरे पास में आते हैं, बोलते कि मुझे नपुंसकत्व है, शिश्न में कठोरता नहीं आती है, मैंने मेरे गर्लफ्रेंड के साथ में कोशिश किया या और कहीं वेश्या के पास में जाके कोशिश किया और मुझे कठोरता आई नहीं। अभी मेरी शादी होने वाली है एक महीने में या डेढ़ महीने में, दो महीने में, जो भी, और फिर मुझे उसके पहले अच्छा होने का है, क्योंकि समझो शादी किया और बाद में ये हुआ नहीं तो फिर क्या होगा। तो ये सवाल लेके आते हैं, तो उनको पूछा भाई ये हुआ कैसे, क्या प्रॉब्लम आ गया ऐसा। तो उनका अक्सर यही रहता है कि नहीं, मैंने बहुत बार हस्तमैथुन किया या बहुत बार नाइटफॉल हुआ या नॉक्चर्नल एमिशंस हुए, स्वप्न दोष हुआ, या बहुत मेरा वीर्य चले गया और उसके वजह से मुझे बहुत वीकनेस आया, बहुत ही कमजोरी आई हुई है। और एक बार मैं वेश्या के पास में गया था, वहाँ में सफल नहीं हुआ, फिर दो तीन बार मैंने गर्लफ्रेंड के साथ में साथ ट्राई किया, वहाँ भी नहीं हुआ। तो इसलिए अभी मेरे को डर लग रहा है शादी कैसे करें, घर के लोग पीछे लग रहे हैं कि शादी करो। मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई पहले शादी करो, बाद में मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा। बोलते नहीं, शादी की है और बाद में उसको सब मालूम पड़ा कि ये आदमी भी नहीं है, इसका इसको लैंगिक समस्या है, तो फिर वो कैसा होगा, मुझे पहले ठीक कर दो, बाद में मुझे शादी करने की है। अब ये जो प्रॉब्लम है कैसा छुड़वाएंगे, ये प्रॉब्लम का ये बड़ा हमारे सामने सवाल आता है, क्योंकि वो बोलता है मेरे को पहले ठीक करो। मतलब ठीक करो, चलो मैं आपको गोली देता हूँ, मैं आपको ट्रीटमेंट देता हूँ, मगर आप ठीक हो गए ये कैसा मालूम पड़ेगा? जब आप इंटरकोर्स करेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि ठीक हुए कि नहीं हुए। अच्छा, इंटरकोर्स करने के लिए मैं नहीं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कोई गर्लफ्रेंड के पास में जाके टेस्ट करो या कोई वेश्या के पास में जाके टेस्ट करो, ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैं करूँगा भी नहीं। फिर आप कैसा टेस्ट करेंगे? वैसा तो आपको स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आ रहा है, लाइक अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब उठते आधे आधे नींद में रहते हैं तब उनको इरेक्शन आ रहा है क्या? बोलता हाँ, तो फिर आपको इरेक्शन तो आ रहा है नहीं, वैसा इरेक्शन कभी कभी आ जाता है ऐसा बोलता हूँ, मगर लड़की के साथ में जब जब मैं गया तब तब इरेक्शन नहीं आया। तो मुझे पहले ठीक कर दो, बाद में मैं शादी करूँगा, और मैं बोलता हूँ पहले शादी करो, बाद में मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे इसमें वो कश्मकश में फंसे रहते हैं। मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप चिंता मत करो, देखो शादी होने के बाद में पहली रात को सुहाग रात जो रहती है उसमें आपका संभोग होने वाला है नहीं। इतने आप डरे हुए रहते हैं, इतने थके हुए रहते हैं, शादी का धूमधाम रहती शादी की, और उसमें फिर हो सकता है कि सेक्स नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, इरेक्शन नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा, होगा ही नहीं ऐसा भी नहीं, होगा ऐसा भी नहीं। तो फिर आप तो वैसा मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि सुहाग रात के दिन पहले दिन सेक्स करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पहले एक दूसरे को समझ लो, बातचीत करो, यदि आपकी पहली ऐसे फ्रेंडशिप नहीं है, पहचान थी नहीं एक दूसरे को, तो पहले बातचीत करो, समझ लो एक दूसरे को, जस्ट फोर प्ले करो, ठीक है ना। और वो यदि करते करते फिर एक्साइटमेंट आ गया, इरेक्शन आ गया, तो फिर सेक्स करो, नहीं तो फिर पहले दो दिन चार दिन भी वैसे गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई आपके सिर के ऊपर किसने बंदूक रखी नहीं है कि भाई आपने सेक्स करो नहीं तो मैं चले जाऊंगी, ऐसे कोई लड़की पहले रात को बोलती नहीं है या पहले सात आठ दिन भी बोलती नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। यूजली लड़कियां भी समझदार रहती है, वो ठीक है नहीं नहीं हुआ इरेक्शन, नहीं हुआ सेक्स, तो ठीक है वो 8-15 दिन महीना भर आपके साथ में वैसे भी रहने को तैयार होती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये लोगों को रहता है कि नहीं पहले ठीक करो, मेरा ऐसा होता नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग ये सब एट्रीब्यूट करते हैं हस्तमैथुन को, और बोलते हैं कि हस्तमैथुन जो हुआ है उसके वजह से हुआ है, क्योंकि जहाँ वहाँ आप जाओ वहीं लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, बाकी बड़े बड़े जो पोस्टर्स है जो पेपर में विज्ञापन आते उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य यही जीवन है, वीर्यनाश यही मृत्यु है, एक वीर्य का जो बूंद होता है वो 80 खून के बूंद के बराबरी का होता है, और आपने जो हस्तमैथुन किया वो ठीक नहीं है, ऐसी सब बातें अभी तक लोगों ने सुनी हुई है। हम अभी 2019 खत्म होते आ रहा है, इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो रहा है, ज्ञान इतना आगे, मतलब लोगों को मालूम हुआ है, ज्ञान इतना भी बढ़ा हुआ है, और तभी भी लोग अपने अज्ञान में फंसे हुए हैं कि मास्टर्बेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ करके, कि मैं मास्टर्बेशन नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है कि मास्टर्बेशन कोई इंजूरियस नहीं है, आप मास्टर्बेशन कर सकते हो, उससे कोई नपुंसकत्व आता नहीं है, और आप रिलैक्स हो जाओ, शादी कर लो। शादी करने के बाद में पहले ही बोल दो कि भाई 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन नहीं होगा, उस समय मैं आपकी काउंसिलिंग करूंगा। वो जो सिचुएशनल एंग्जाइटी है, जब उस समय एंग्जाइटी रहती है वो सिचुएशन पे, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कैसे ठीक करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सेशन को बुलाऊंगा, और धीरे 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 वो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा जब मैं उसको आश्वस्त करता हूँ लोगों को, तो फिर लोग शादी कर लेते हैं और बाद में फिर मेरे पास में आके काउंसिलिंग करके फिर धीरे धीरे उनका 8-15 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस तरह का ये मामला होता है कि भाई पहले सेक्स ठीक कर लेना, मतलब पहले सेक्सुअल फिटनेस लेना
या पहले शादी करना। तो इसमें कश्मकश में लोग काफ़ी देर तक अपना अपनी शादी जो है वो आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मेरा ये बोलना है, ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो बोलते नहीं हैं, आपके फ्रेंडशिप में जितने भी लोग ऐसे अविवाहित है उनको सबको ये वीडियो शेयर करो, ताकि लोग बोलते नहीं हैं मगर वो ठीक हो जाएगी, वो शादी कर लेगी, इतना मेरा पक्का वादा है। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ही है, ये हमारा मिशन है हमारे हॉस्पिटल का, और हम उसके लिए खड़े हैं। आप भी उसके लिए हमारे पार्टनर बन जाइए। थैंक यू वेरी मच।